हमारे सोलर सिस्टम में लाखों छोटे बड़े एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। ये आखिर आए कहाँ से और क्यों कुछ एस्टेरॉइड्स पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं? वैसे तो रोजाना पृथ्वी हजारों छोटे एस्टेरॉइड्स का सामना करती है जिसकी हमें भनक तक नहीं लगती। आज हम ऐसे ही स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे और जानेंगे पास्ट में हुए एस्टेरॉइड्स इंपैक्ट्स के बारे में जिनको हाल फिलहाल में ही वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी रोमांचक बातें आपको जानने को मिलेंगी। हमारे सोलर सिस्टम से रोजाना लाखों छोटे बड़े उल्कापिंड गुजरते हैं और हमें इसके बारे में पता भी नहीं होता। ये उन चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो उस समय से अस्तित्व में हैं जब हमारा सौरमंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले बना था। ये सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं लेकिन ये ग्रहों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये अंतरिक्ष में आवारा घूमते रहते हैं और इनका पाथ भी बहुत अजीब होता है। ये चट्टानी टुकड़े जब दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट्स और ग्रहों के बीच से गुजरते हैं तो उनकी ग्रेविटी के प्रभाव में अलग अलग तरीकों से घूमते हैं। इनमें से ज्यादातर एस्टेरॉयड बेल्ट से निकल कर आते हैं और ये एस्टेरॉयड बेल्ट बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण काफी ज्यादा शक्तिशाली है जिसके प्रभाव से ये एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद कुछ एस्टेरॉयड्स अपनी दिशा से भटक जाते हैं और इसी के चलते कुछ एस्टेरॉयड्स पृथ्वी की दिशा में भी आ जाते हैं। इन एस्टेरॉयड्स का शेप कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ये एस्टेरॉयड्स गोल आकार के होते हैं और कभी कभी उनमें गड्ढे और छेद होते हैं जो दूसरे एस्टेरॉयड से टकराने से बनते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट में ही 1 मिलियन से अधिक एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं और ये सब तब तक ठीक है जब तक कि उनमें से कुछ हमारी दिशा में नहीं आ जाते। हालांकि नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज उन पर नजर रखते हैं इसलिए हम जानते हैं कि कम से कम अभी के लिए तो हमें इनसे कोई खास खतरा नहीं है। लेकिन हमारे प्यारे ग्रह पृथ्वी के साथ हमेशा ऐसा नहीं था। अगर पृथ्वी बात कर सकती तो शायद ये बहुत सारी दिल दहला देने वाली एस्टेरॉयड्स की कहानियां हमें बताती। हम बात कर रहे हैं उन एस्टेरॉयड्स के बारे में जो इतने बड़े होते हैं कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए सरफेस तक पहुंच जाते हैं और अपने इंपैक्ट से सतह पर एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं जिसे क्रेटर कहते हैं। ये क्रेटर डोम की तरह होते हैं जैसे कि एक गुंबद जिसका केंद्र उठा हुआ होता है, ठीक वैसे ही जैसे जब आप तालाब में कंकड़ फेंकते हैं और पानी ऊपर की ओर उछलता है। पास्ट में जो बड़े एस्टेरॉयड्स पृथ्वी से टकराए थे उनके बारे में हमारे पास काफी सीमित जानकारी है। ये एस्टेरॉयड इंपैक्ट लाखों साल पहले हुए थे और इतना लंबा समय प्रकृति के लिए काफी होता है कि वो इस तरह के इंपैक्ट के निशानों को मिटा सके। दरअसल पृथ्वी का वातावरण इसका एक प्रमुख कारण है। पृथ्वी पर मौजूद हवा, पानी और यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण अतीत के निशानों को मिटा देते हैं। ऐसे ही कई क्रेटर चट्टानों और मिट्टी की परतों के नीचे छिप जाते हैं या फिर टेक्टोनिक प्लेटों की मूवमेंट के कारण हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अगर हम इसको चंद्रमा से कंपेयर करें तो चंद्रमा ने अभी तक के अपने जीवन काल में कई एस्टेरॉयड्स इंपैक्ट अपने ऊपर लिए हैं और क्योंकि वहाँ कोई महासागर और वातावरण नहीं है और ना ही टेक्टोनिक मूवमेंट है इसलिए चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे साफ दिखाई देते हैं जो लाखों साल पुराने हैं। मूल रूप से इसका पूरा इतिहास इसकी सतह पर लिखा हुआ है। लेकिन पृथ्वी की अपनी ताकतें हैं जो ऐसे निशानों को मिटा सकती है, जैसे चिक्सुलब क्रेटर जिसकी वजह से डायनासोर का पृथ्वी से संपूर्ण विनाश हो गया था। किस्मत से वैज्ञानिकों के पास प्राचीन क्रेटरों को खोजने के लिए नए तरीके हैं। वो कुछ विशेष मिनरल्स और मटेरियल्स पर फोकस करते हैं जो किसी मैसिव एस्टेरॉयड द्वारा पृथ्वी पर लाया गया हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप इस बारे में विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि ये पास्ट में एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के लिए एक प्लेग्राउंड की तरह रहा है। कहने का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का पार्ट है जिसने दक्षिणी हिस्से में करोड़ों सालों तक अपना प्रभुत्व कायम रखा था। विशेषज्ञों को यहाँ 38 बड़े और प्राचीन इंपैक्ट के बारे में पता चला है और अनुमान है कि यहाँ ऐसे 43 और क्रेटर्स हो सकते हैं। यहाँ मौजूद क्रेटर्स कुछ तो साइज में काफी छोटे हैं और कुछ काफी बड़े हैं जबकि कुछ पूरी तरह से सरफेस के नीचे दब चुके हैं। और हाल ही में
टोनी येट्स नाम के एक वैज्ञानिक ने न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में जमीन के नीचे अजीब मैग्नेटिक पैटर्न की खोज की है। ये काफी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। दरअसल ये एक संरचना है जिसका व्यास 520 किलोमीटर है और खास बात यह है कि यह अब तक की सबसे बड़ी इंपैक्ट साइट हो सकती है। इस जगह को डेना लिक्विड स्ट्रक्चर नाम दिया गया है। इसके मैग्नेटिक पैटर्न में केंद्र के चारों ओर विशिष्ट लहरें देखने को मिलती है, जैसे कि जब कोई चट्टान पानी से टकराती है तो केंद्र से बाहर की ओर दरारें उभर आती है और ऐसा लगता है कि पृथ्वी के अंदर से ये चट्टाने निकलकर इन दरारों में आ गई हो। यह निश्चित रूप से किसी बड़े एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट को दर्शाता है। यह संरचना संभवतः सैकड़ों मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया सहित कई महाद्वीपों में विभाजित होने से बहुत पहले पूर्वी गोंडवाना में स्थित थी। इस समय इस क्रेटर के बारे में केवल उतनी ही जानकारी मौजूद है जितनी कि यह सतह पर दिखाई देती है। आज तक लगभग 200 के करीब क्रेटर पृथ्वी पर खोजे जा चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा क्रेटर दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। इस क्रेटर का एस्टिमेटेड डायमीटर 160 से 300 किलोमीटर है। ये लगभग 2 अरब साल पुराना बताया गया है और जिस एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से ये क्रेटर बना था उसका डायमीटर लगभग 10 से 15 किलोमीटर रहा होगा। संभवतः यह एस्ट्रॉइड चिक्सुलप से ज्यादा बड़ा है जिसने डायनासोर का खात्मा कर दिया था। अगर एस्ट्रॉइड के साइज की बात करें जो वाकई घातक हो सकते हैं, तो जब कोई एस्ट्रॉइड 1 किलोमीटर जितना बड़ा होता है तो निश्चित ही वो पूरी पृथ्वी पर अपना प्रभाव डाल सकता है। इसके इम्पैक्ट से इतनी एनर्जी रिलीज होगी जिससे हर जगह आग लग सकती है और वायुमंडल में इतनी धूल उड़ेगी जो महीनों या सालों तक जलवायु को बदल कर रख देगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।